सरकार के काम को आप कैसे देखती हैं पीएम के काम को बहुत अच्छा मोदी जी ने तो जो काम करा कोई साथ जन्म भी ले लो तो नहीं करे पहले बहुत बहुत सफाई कर्मी के लिए मोदी जी ने बहुत अच्छा करा सर हमारे लिए तो हमारे को तो हमारी पहचान ही नहीं थी मोदी जी ने हमारी पहचान बना दी है कि हम एक सफाई कर्मचारी हर इंसान की पहचान बनाई मोदी जी ने मोदी जी को तभी सलूट मार झाड़ू फेरते और क्या जिम्मेदारी होती सिर्फ झाड़ू झाड़ू सर फिर ढेरी लगती है में गीला अलग सूखा अलग कांच अलग करते मैं आपके हाथ भी अभी देख पा रहा था आपने मुझे जब पानी पकड़ाया था ये ये तो ये हाथ बड़े सख्त लग रहे हैं कचरा उठाते ना सर नारायण बाग के सलोक आए बोले इंदिरा भाई तुम्हारे दो ही कमरे मिलेगी हाँ सर दो कमरे भाई कैसे पूरा करते हुए जगह भी बड़ी हो जाती है आप क्या सोचती हैं कि आपके जो भविष्य जो आपके बच्चे हैं और वो किस लाइन में जाने चाहिए वो इसी लाइन में रहे बदलना? से मेरी है कि सर सबको परमानेंट के जाए इतने पैसे में सर नहीं पूरा होता ब्रॉड टू यू बायसोडेंट के अभी लेके आए सेंसोडेंट के करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन ललन टॉप की चुनावी यात्रा इस वक्त मौजूद है मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में इंदौर में हम आए थे तो चुनावी मिजाज समझने के लिए आए थे चुनावी माहौल समझने के लिए आए थे लेकिन यहाँ पहुँचते पहुँचते दिल्ली से दूरी है पहुँचते पहुँचते पता चला कि चुनावी मिजाज यहाँ का थोड़ा ठंडा हो गया है क्योंकि तो कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए तो हम इंदौर की गलियों में घूमे इंदौर को जाना समझा और हमें याद आया कि इंदौर ही तो वो शहर है जो पिछले सात बार से सफाई का स्वच्छता का अवार्ड अपने नाम कर रहा है नंबर वन आ रहा है और 2014 में अगर बात करें तब तक इंदौर की जो रैंकिंग थी वो वन थी और आज पहले नंबर पर ये पहुँच गया है जब यहाँ हम आए और जब सफाई की बात हो रही है तो कई बार हम सड़कें दिखाते हैं सफाई दिखाते हैं नगर निगम के बड़े बड़े अधिकारी दिखाते हैं मेयर्स दिखाते हैं वो तमाम लोग दिखाते हैं जो उस सफ़ाई को करवाने के लिए कागजी तौर पर या ऊपरी तौर पर ध्यान रखते हैं लेकिन असली सफाई करते हैं वो सफाई कर्मचारी जो आधी रात को तीन बजे जागते हैं जो देर रात तक सफ़ाई करते हैं और फिर अपने घर लौट कर घर की ज़िम्मेदारी संभालते हैं और वो सफ़ाई सिर्फ नौकरी के रूप में नहीं करते कि हमें नौकरी करनी है इसलिए हम सफाई कर रहे हैं वो सफाई इसलिए करते हैं क्योंकि वो इंदौर को अपना घर समझते हैं वो शहर को अपना समझते हैं और उसे साफ़ रखना चाहते हैं ऐसे ही एक परिवार से मिलने हम आए हैं और ये परिवार भी बहुत ख़ास है ये हैं इंदिरा दीदी का घर इंदिरा अधीवाल जिन्हें दिल्ली बुलाकर विज्ञान भवन में केंद्रीय मंत्री ने सफाई का अवार्ड भी दिया और इनके हाथ में वो ट्रॉफ़ी सौंपी गई और मैं कहूँगा अपने साथी गोविंद से कि वो घर के अंदर आएँ इंदिरा दीदी से आपकी मुलाकात कराते हैं क्या कुछ मुद्दे हैं क्या समस्याएँ हैं आ, कैसे इंदौर सफ़ाई के मामले में इतना आगे बढ़ा कि वो पिछले कुछ समय से सफ़ाई पर सवाल उठ रहे हैं वो सब बताएंगे देखिए इनका एक घर है छोटा सा दो कमरों का और इसकी दीवार पर बहुत सारे इनकी तस्वीरें लगी हुई हैं बहुत सारे इनको अवार्ड भी मिले हैं सफ़ाई के क्षेत्र में ज़्यादा आपको बोर ना करते हुए ज़्यादा चीज़ें ना करते हुए मैं सीधा आ, अंदर का जो एक कमरा है इसी में छोटी सी रसोई भी है और जिसपे इंदिरा दीदी इस वक्त शायद कुछ पका रही हैं नमस्ते इंदिरा दीदी नमस्ते सर नमस्ते कैसी हैं आप अच्छी सर आप कैसे हो अच्छे हैं आप uh, क्या कर रही हैं अभी आप सर चाय चाय बना बना रही बना रही मैं है वाह वा, बहुत बढ़िया तो इंदिरा दीदी चाय बना रही है हम लोगों के लिए हमसे कहा कि मैं आप लोगों के लिए चाय बनाती हूँ आप इतने बाहर से छूट करके आ जाइए बहुत सादगी के साथ आपको अवार्ड मिला दिल्ली बुलाकर अवार्ड दिया गया सर हाँ मेरे को दिल्ली बुला कर अवार्ड दिया गया सर 2021 में लेके गए थे सर प्रतिभा पाल मैडम अधिकारी मनीष सिंह सर सारे अधिकारी थे नौ अधिकारी थे दसवीं में थी मेरा बेटा था हवाई जहाज से ले गए हवाई जहाज से से लाए और बहुत अच्छे से हमारा वेलकम किया अच्छी होटल में ठहराया और गाड़ी ऐसे मेरे लिए खड़ी रही बहुत अच्छा वेलकम किया मेरे को लेके गए बहुत सम्मान से बहुत उससे हवाई जहाज में पहले बैठी थी आप कभी नहीं सर हवाई जहाज में पहली बार बैठी हूँ सर पहली बार बैठी सर, कैसा लगा बहुत अच्छा लगा सर मेरे कहने एक भैया आए आप सर के दीदी दी आपको अभी जहाज में कैसा लगा मैंने कैसे लगा नीचे दच के लगते ऊपर दच के नहीं, नहीं। लगे अच्छा नहीं। लगा अभी में यानी भाई नीचे तो अपने को पर हभी में कोई डर नहीं लगा कुछ नहीं लगा अच्छा लगा सर पहली बार बेटी पर अच्छा लगा अच्छा लगा कभी लगा। सोचा था कि हवाई जहाज में बैठने को मिलेगा नहीं हमारे मेरे मिस्टर थे जब मैं कहती थी एक हेलीकॉप्टर था पीला तो मैं कहती थी मेरे को एक बार इसमें घुमाना ना इंदौर में उनके दोस्त थे एयरो में काम करते थे बोले हाँ घुमाऊंगा तेरे को मैं एक दिन मैंने कहा अपने एक दिन भोपाल चलेंगे बोले हाँ चलेंगे पर मेरे मिस्टर नहीं है पर मैं काम बहुत घस गस घसी करती थी कहती तेरे को क्या अवार्ड मिलेगा इतने घस गस घर काम करती मेरे क्या अवार्ड मिले नहीं मिले पर मैं तो काम ऐसी करूँगी आज अवार्ड मिलता है आज हवीजहाज में आज उन्होंने सोचा था बिटाऊँगा लेकिन आज मेरे को नगर निगम बड़े बड़े अधिकारियों ने मेरे को हवीजहाज में उड़ा के ले गए अवार्ड दिलाने सर बहुत अच्छा लगा इंदौर को साफ किया है आपने और मुझे लगता है तो बहुत कम है आप जैसे सफाई कर्मियों के लिए खैर कैसे रहती है आपकी दिनचर्या कैसे इंदौर को साफ रखते हो आप कब उठते हो कब जागते हो कब निकलते हो घर से सर हम चार बजे पहुंच जाते हैं ड्यूटी पे तीन बजे उठते हैं चार बजे हम लोग चार बजे आप ड्यूटी पे पहुंच जाते हो पहुंच जाते हैं पौने चार बजे तो हमें पहुंचना है ड्यूटी पे पहुंच और जाते उठते तीन बजे हो हाँ फिर मुआत बजे कैसे आप मुआवाम लगाते तो बिल्कुल अपने आप में एक मऊ से फौजी की लड़की हूँ तो पापा ड्यूटी जाते थे हम लोग चाय बना के तो मेरे को तो आज तक किसी ने दरवाजा नहीं ठोका ना मेरे को अलार्मि अन के उठते सर ना मेरे को तो कितनी बजे भी सोऊंगी नहीं किन तीन बजे डन उठना है क्या रहती हैं दिनचर्या तीन बजे आप उठे फिर उसके बाद मुंह हाथ धोना चाय वाय बनाना फिर थोड़े हाथ वाय जोड़ के सब का करके फिर, फिर च... बजे साढ़े तीन बजे निकल जाते और नगर निगम नहीं कहती सर हमको रात से उठो या हाँ। वो तो उनका तो छह बजे का हाँ। अभी मेरे को अधिकारी कह रहे थे कि बोले आप इतनी जल्दी आते कोई हादसा हादसे की जवाबदारी भैया मेरे मेरे आता आपने नहीं किया मेरे को कि बजे से ये मेरे अपने सपोर्ट से आती सर मुझे नगर निगम वाले नहीं कहते आपके आपके साथ भैया जाते हैं मेरा भतीजा जाता है सर हाँ जी सर आप उन्हें साथ में लेके जाते हो हाँ इकली तो नहीं जा सकती सर तो आप छह बजे नहीं जाते आप आधी रात को ही निकल जाते हो ऐसा क्यों मैंने सास की नौकरी भी हमने चार बजे रात को करी और देखो सुबह सुबह के झाड़ू फेरना सुबह की सफाई की बात ही अलग है ये मेरी सोच है अपने अपने हिसाब से सब काम करती है मैं अपने हिसाब से काम करती हूँ हाँ, और कर्मचारी भी क्या, इतने बजे हाँ, आते, तो आते बहुत हैं तो आते है बहुत जगह आते हैं अब जिसका कई लोग छह बजे भी आते होंगे अब हाँ, जिसके बच्चे छोटे है सर जिसका कोई नहीं है तो वो तो छह बजे ही आएंगे सर कि आपको ऐसे प्रशासन की तरफ से निगम की तरफ नहीं, से नहीं, नहीं कहा गया तो इंद्रा जी आप तीन बजे नहीं नहीं, नहीं, तो अपने नगर निगम नहीं कहती अभी जल्दी आते नहीं सर मैं अपने सुबह सुबह झाड़ू फेरना अच्छी लगती है नहीं सुबह के झाड़ू की बात ही अलग है और पहले भी लोग करते थे पहले भी लोग चार बजे रास्ते ही जाते थे पर अभी आजकल वो दो बजे तक सीधी सलंग ड्यूटी करती तो फिर कौन दो बजे का चार बजे कौन उठेगा फिर क्यों करेंगे यानी फिर वो तो आते ना छः बजे भाई दो बजे तक बेचारी अब कब तो सर देखो दो बजे सलंग ड्यूटी कर दी इन्होंने कितने दो से छः से दो तो सर अब जैसे अब किसी के बच्चा छोटा है किसी का कोई रोटी बनाने वाला नहीं किसी के वहाँ तो सलंग ड्यूटी करेगी तो फिर थोड़ी तो परेशानी तो चार बजे आप पहुँच के क्या करते हो वहाँ जाके सबसे पहले सबसे पहले सर भैया झाड़ू निकलता झाड़ू में पानी डालेंगे मैं जब तक हाथ जोड़ती दत्त मंदिर है बावड़ी बाउड़ी हाथ जोड़ के फिर भैया झाड़ू निकाल के लाता फिर मैं झाड़ू खेने लगती आप झाड़ू फेरते हो और शुरू कर देते हो सफाई झाड़ू फेरते फेरते और क्या जिम्मेदारी होती है झाड़ू फेरना या झाड़ू फेरना सर, फिर देहरी लगती है में गीला अलग सूखा अलग कांच अलग करते चीज़ हैं ये सब चीज हमारे तो ये में। साथ साथ जैसे मान लीजिए इस गली से बाहर से आप झाड़ू लगाते गए तो ढेरी बनाई और उसको फिर अलग अलग करना शुरू कर दिया उसमें से बीनते हैं सर ऐसे हाथ से बीनते हैं हमसे बोरे में डालते तो मतलब इनका कहने का मतलब यह है कि जो झाड़ू लगाई जाती है गलियों में सड़कों पे सफाई होती है तो झाड़ू लगा के तो उसको झाड़ू से जो कचरा जो कूड़ा होता है हाँ, वो एक तरफ कर दिया जाता है और अलग 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 करते हैं हाँ, पत्ती ये, ये ये सब सब चीजें चीजें हगी से करना पड़ता है ऐसा नहीं है कि वो एक ही जगह कर दिया उसको बीनते हैं कचरे को और अलग अलग उसको थैलों में डाला जाता है फिर ये कब तक करते हो आप कितने बजे तक सर मेरे को कभी ग्यारह बजे जैसे पजझड़ बहुत है मेरे नारायण मग में बहुत झाड़ है तो कुंटलों से पत्ती फेंकते झाड़ तो है ही वहाँ बहुत सारे तो कब उसमें तो फिर बारह भी बज जाती कभी भी है बारह भी बज जाती है एक भी बज जाती है हाँ। फिर वहां से आती है एक बजे तक आपने मान लो ये काम किया सफाई का फिर एक बजे आप घर आ जाते हो हाँ फिर भी तीन बजे वो तो आज मिल गई आपको मैंने तो तीन बजे ड्यूटी जाती है मेरे को हमारी तीन बजे फिर से जाते हो दोपहर में तीन बजे फिर जाती हूँ अच्छा फिर दोपहर सब सफाई गर्मी ऐसे ही करते हैं सबकी सलंग है सबकी से छो कर रखी है पर मैं तीन से छह मेरे को कर रखा जैसे आठ दस भाई हम तीन से छ में जाते हैं ओके okay. आप बजे आ जाते हो फिर दोबारा तीन बजे जाते हो हाँ। और तीन बजे जाके आपको क्या करना होता है फिर सड़क झाड़ो फिर कचरा उठाओ फिर, फिर कचरा अलग अलग, अलग अलग करते हैं, हैं। अलग फिर छह बजे आप वापस आ जाते भी बज जाती है और कभी टाइम भी हो जाता है छह बजे तो काम खत्म नहीं होता है ड्यूटी करने गए तो फिर वो नहीं की किसी और की सड़क है जहाँ हम ड्यूटी करना है तो वो अभी मेरी जवाबदारी होती तो उसको भी अपनी जवाबदारी नहीं कि दूसरे का एरिया तो मैं काम नहीं करूँ काम करूँगी क्योंकि मेरी ड्यूटी है तो काम तो करती सर मैं बजे भी हुआ झाड़ू तो देते हो जब आप ये कचरा बीनते हो तो वो कचरा बीन के कट्टे में डालते हो हाँ, फिर गाड़ी आती गाड़ी आती तो बड़ी गाड़ी आती वो लेके जाती है हमारे कट्टा कहाँ पे रखा होता है साथ साथ लेके चल रहे होते हो क्या होता है हमारे कोई कचरा गाड़ी दे रखी है हम उसके अंदर ऐसे जमा के रखते हैं सर

क्या होता है इस महीने से बोल रहे हैं बड़े और उससे नीचे अभी बेनिमित तो नी हम तो नहीं हम तो मास्टर कर्मचारी जानते थे और अभी नए दो तीन नाम रख दिए इसका तो मेरे को आइडिया नहीं है सर ऐसे लोगों से मिलते हो आप बातचीत भी होती होगी क्योंकि साथ में काम कर रहे हैं तो वो तो कहते हैं के आपको इतना तो बड़ा अवार्ड मिला हमारे लिए तो मैं क्या करूं? मेरे से बड़े बड़े वाले कर्मचारी हूँ सर मैं क्या कर सकती हूँ तो तो परे? सर तनखा बहुत कम है उनको तंखा कम लगती है छह सात हजार में नहीं होता गुजारा इंदौर में घर ही नहीं मिलता छह सात सभी के घर थोड़ी पूछती नहीं अब ये घर भी है अभी मैंने तीन बैंक से लोन ले रखा है तो मेरी कितनी तंखा करती सर तो मैं कैसे पूरा करती हूँ जो मेरा ही नहीं होता पूरा तो इनका कैसे इतना बस्ता है हाथ में आपके मेरे कभी पंद्रह हज़ार कभी सोलह हजार मेरे कटती है सर एक बैंक में साढ़े सात हजार करती एक बैंक में तेरह हजार तीन सौ साठ एक और उसी बैंक में फिर डबल से टॉप ऑफ टॉप लिया साढ़े चार हजार तो, और फिर पेड़ी में मेरीगा सब रहता ही कटता ना सर हमारा तनख्वाह कितनी है वैसे आपकी पैंतालीस पैतालीस कट पिट के पंद्रह सोलह बच जाता है क्योंकि बहुत सारे लोन लेने पड़े हैं जरूरत है पूरी करने की लोन क्यों लिया था आपने बच्चे की शादी करी सर और ऐसी एक छोटा सा प्लाट लिया सर अब इस चार पांच जन खेती में कैसे मेरे बच्चे रखूंगी इसमें तो एक प्लाट लिया सर मेरे को नारायण बाग के सर आए थे मेरे को मुख्यमंत्री अवार्ड मिला था तो यहाँ के लोगों ने सम्मान किया था तो हमारे नारायण बाग के सर लोग आए बोले इंदिरा भाई तुम्हारे दो ही कमरे मैंने कि हाँ सर दो कमरे अरे भाई कैसे पूरा करते है? मैंने कि सर मेरा दिल बड़ा रात में जगह भी बड़ी हो जाती है क्या करें फिर उन्होंने सेंडी का कौन सी बैंक है उनसे लोन मेरे को दिलाया सर फिर वहाँ से लिया मैंने क्या वो ब्याज मुक्त है या ब्याज ब्याज बहुत है सर साढ़े सात हज़ार ब्याज भर रही हूँ तीन साल से सर साढ़े सात हज़ार तो ब्याज ही भर रही हूँ लोन लिया नहीं ब्याज बहुत सारा तो सर अभी लोन नहीं लिया वो ब्याज ही चल रहा तो मतलब और... तो 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 हाँ, तो है अभी अभी मैंने घर नहीं बनाया सर बेटे की शादी करी फिर डबल से लोन उठाया तो नहीं पूछता सर अब जो भी है चाय आपकी चाय बहुत अच्छी चाय बहुत अच्छी हो गई है हम भी चाय पियेंगे घर में कौन कौन है आपके सर मेरे दो बेटे हैं, मेरा भतीजा है दो बउे हैं और पांच बच्चे है बच्चे आपके पढ़ते हैं बच्चे तो पढ़ते छोटे, -छोटे और अभी दो बच्चे हुए अच्छा। उसको भी देखा है उसकी भी जो पोता पोती है वो सब आ, पढ़ रहे हैं पांच महीने दो बेटे क्या करते हैं एक तो नगर निगम में कच्चे में सात हजार मिलते है और एक स्कूल में मला रशम स्कूल में शिक्षा विभाग में अच्छा तो वहाँ आपकी सरकारी नौकरी है हाँ सरकारी परमानेंट है आपके पास हाँ परमानेंट परमानेंट है आप पापा तो, की पिताजी की जगह लगी थी पापा की जगह अच्छा आपके हाँ, पिताजी थे वहाँ पे पहले हाँ पहले पापा थे फिर मेरी लगी वो पिताजी का स्वर्गवास हो गया स्वर्गवास हो गया फिर मेरी लगी थी उनकी जगह पे आपको मिली ठीक है आपको क्या तनख्वाह मिल जाती है मेरी आती है अभी थर्टी फाइव थर्टी फाइव क्या करते हैं आप वहाँ पे मेरा प्यू सफाई का काम तो सफाई का काम मेरा भी सब सुफ। बस सफाई का काम और कोई मदद मिलती है आपको नहीं और कोई मदद नहीं और खुश है नौकरी है। से अपनी हां खुश है ठीक है खुश है गुजारा हो रहा है हां गुजारा हो जाता है जैसा भी होता तो बच्चे है बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं चाय हम यही ले, ले लेंगे <laughs> बहुत बहुत शुक्रिया आप। वो अभी ले लेंगे आ, तो बच्चे पढ़ रहे हैं आपके हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं एक बच्चा मेरा मल्ला आश्रम में पढ़ता है और दो बच्चे मेरे इस प्राइवेट स्कूल में अभी क्या है इंदौर जो सफाई के मामले में हम बातचीत कर भी रहे थे तो ऐसा कहा जा रहा है पिछले कुछ समय से सफाई का स्तर थोड़ा सा नीचे गया है तो उसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं क्या है मतलब क्यों ऐसा हो रहा है सर हमें क्या बोलो लोग तो थोड़े चिड़े हुए भी हैं सर देखो इतनी बार इंदौर आई है तो उनको कुछ तो तनखा होना चाहिए सब जीत देखे हम इतनी मेहनत करते हैं अब तो कुछ तो फिर आप तो मालूम ही है कि <laughs> मतलब सफाई कर्मी जो है इतने लंबे समय से ओ, बड़े बड़े हाँ अभी अभी भर्ती भी नहीं हो रही नगर निगम में जी। आपकी तो, चाय है वैसे सर ये <laughs> आप भी चाय पीजिए हमारे साथ <laughs> <laughs> हाँ। तो सर अभी बहुत अभी रिटायर कितने हो रहे हैं उसकी जगह रखनी तो नगर निगम कर्मचारी भी कम है तो काम कैसे होगा सर अब थोड़े भाई परमानेंट तो सब खत्म हो गए मुश्किल से अब क्या मालूम कितने होंगे बहुत कम हो गए परमानेंट मेरे को तो लगता होगा टेंपरेरी ज्यादा है और उसमें भी कच्चे में रिटायर भी हो गए अच्छा कच्चे में ही मतलब वो उम्मीद के साथ कि हम पक्के होंगे उसी आ, में रिटायर भी, भी हो गए भी हो गए कई मर भी गए रिटायर ही हो गए कई अब नगर निगम देखो करे क्या करेगी रिटायर हो गए कितने तो मर गए अपना सपना लेके और कई रिटायर हो गए नगर कच्चे में कर दे रिटायर हो गई उमर उमर हो गई तुमको कच्चे में कर दिया आई कहता ना कि भाई हम परमानेंट होंगे परमानेंट होंगे नहीं वो अभी कुछ ऐसा चल ही नहीं रहा देखो कब होएगा तो सर कुछ तो होगा तो आ, कहीं कहीं ना ये भी एक चीज है 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 जो जो निकल के आ रही है कि भाई इतने समय से सफाई कर्मी है, पूरी मेहनत के साथ इंदौर को नंबर वन बना के रखा है ना अब जब उनका ये कहना है कि भाई हम तो अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं पूरा दे रहे हैं शहर को जो हम दे सकते हैं है ना जो हमारी जिम्मेदारी है हम उस हिसाब से पूरा कर रहे हैं लेकिन फिर आप हमारी भी तो मांगे पूरी कीजिए हमें भी परमानेंट कीजिए हमारी है तनख्वाह तो हाँ। तो तो जो जो हमारा, हमारा क्या होगा दीदी -दी, होगा कभी ना कभी तो पैसा पलटेगा कभी ना कभी तो सरकार सोचेगी अपने लिए लगातार प्रदर्शन आंदोलन भी करते हैं सफाई कर्मी उससे कुछ नहीं हुआ कहाँ कर रहे सर आंदोलन कहाँ कर रहे हैं नहीं कर रहे सर आश्वासन है कि हाँ करेंगे अब कब करेंगे ये नहीं मालूम सर hmm. अब जैसे अपने इंदौर में hmm. और ये अपने इंदौर में कितने मिल थे सर सात hmm. हम ये कहते ये सब ये चीज कर रहे हैं ही मिल में से कभी चार मील खोलते तो आधे भुख मरी खत्म हो जाए ah. नहीं होगी सर सात मिल थे सात मिल में से कभी चार मिल खुलते हैं तो आधी भुखमरी खत्म हो जाएगी आधे लोगों को रोजी रोटी मिलेगी पहले से ज्यादा एक भी मिल नहीं खुला एक भी नहीं खुला है सर कभी नहीं खुल, खुल सकते हैं अपने मोदी जी तो करेंगे क्योंकि वो करेंगे जो बोलते हैं वो करते हैं उनकी तो गारंटी पूरी है पर वो कर सकते हैं अभी सात मिल में से चार मिल खुलते हैं सर तो आधी भुखमरी खत्म हो जाएगी आधा इंदौर पलता था आधा मऊ पलता था तो ये तो खुलना चाहिए सर नहीं होना चाहिए ये इंदौर में बहुत परेशानी सर और ठेके से जाने से तो और परेशान है सर ठेके में चली गई सब चीज सब ठेके में सब चीज ठेके में जा रही है बताइए कहाँ बिना ठेके के तो कुछ जो भी देखो ठेका पर ठेका नहीं होना चाहिए सर ठेके से तो बहुत प्रॉब्लम क्या है ठेकेदार की इच्छा हुई जब करा, करा वही होगा और ये जो मोहल्ला है जो कॉलोनी है यहाँ पे भी सब आदि समाज के लोग ही रहते हैं नहीं, नहीं सर अच्छा। सब अलग अलग है।, है सब एक ही समाज सरनेम अलग अलग है अब कितने हो गए सब आलमी के समाज से हैं सरनेम सबके अलग 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 है और भी सफाई कर्मी है क्या यहाँ पे जो काम करते हैं निगम में है बहुत सारे तो हैं पर बहुत सारे रिटायर है कच्चे में है और जो ज़्यादा परमानेंट है तो वो रिटायर हो गए जी 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 अच्छा जैसे अब आपके तो दोनों बच्चे जो हैं वो नौकरी में हैं एक परमानेंट है और एक टेम्परेरी है आपके जो पोते पोती हैं जो घर में और पांच बच्चे हैं आप कैसे देखती हैं आप क्या ये सोचती हैं कि उनको इसी लाइन में जाना चाहिए क्योंकि अब आप एक तरफ से सरकार ये भी कहती है ना कि हमने सफाई कर्मियों के लिए इतनी सारी सुविधाएँ कर दी हैं अब वो पहले वाली बात नहीं है हम उन्हें ग्लव्स देते हैं हम उनको अच्छे अच्छे साधन दे देते हैं और वॉरियर की तरह उनको देखते हैं कि वो सफाई वॉरियर हैं सफाई कर्मी नहीं है तो आप क्या आप क्या सोचती हैं कि आपके जो भविष्य जो आपके बच्चे हैं और वो किस लाइन में जाने चाहिए वो इसी लाइन में रहे या बदलना चाहिए नहीं से बदलना चाहिए हमने करा बच्चे तो आजकल बच्चे छोटा सा ही बच्चा क्या सोचे उसकी अब एक मेरे नारायण बाग में एक चिड़िया है बहुत काली मेला है तो मेरा पोता इसका बेटा इतना सा था वो गया तो बोले ना मैंने कि देखना ना मेरा काली ना बोलती भी तो वो गया तो बोले दीदी कहाँ से लाए मैंने कि आपने मैंने बोला तो बोले अमरीका से तो मेरा पोता कहता दादी मैं भी अमरीका जाऊँगा पढ़ के तुम्हारे लिए महीना लेके आऊँगा तो ये ना बच्चों की सोच कहाँ है देखो है ना नगर पढ़ेंगे अच्छा तो वो तो बहुत दूर तक जाएंगे ना सर आप क्या चाहते हैं क्या बने वो बच्चे नहीं अच्छे बनना चाहिए सर मेरे बच्चे नहीं सभी के बच्चे अच्छा बनना चाहिए नगर निगम में तो वही सफाई करने का काम नहीं करना चाहिए नहीं करना चाहिए सर और फिर नगर निगम क्या ठेके में करेंगे सर छह सात हजार में बच्चे क्या पढ़ाई लिखाई वाले उसमें जाएंगे सर कैसे काम छत हजार में तो नहीं होगा सर मेला ढोने काम नहीं करना चाहिए नहीं सर पर ढोया हमने तो ढोया हमारे समय तो ढोया है सर mm. हमने मैं तो मेरा भाई सब्जी बेचता था भोपाल में मैंने कभी ये काम नहीं कर पा सुसाल में आके करा लेकिन मेरे से एक बार मेले की कोठी गिर गई थी और पहले तो कभी करा नहीं मैंने कोठी को ऐसे ऐसे हाथ से सोर के भरी है क्योंकि आता नहीं तो पहले करना काम करना तो मैंने तो ढोया सर मेला अब नहीं है मेला पड़ता नहीं है सर अब इंदौर में तो नहीं है और कई शहरों में भी और भी नहीं होगी पर अब नहीं है सीवर में अभी जैसे जो कर्मचारी उतरते है मशीने चल गई अभी तो नहीं उतरते अभी तो बहुत सारे बार हादसे भी हो गए थे नहीं उतरते सर अभी तो नगर निगम ने बहुत अच्छी सुविधा कर रखी है ऐसा कुछ नहीं कोई शिवर में उतर रही है अभी तो बहुत बहुत ज्यादा ऐसे नगर निगम बहुत ज्यादा सुधर भी गई है नगर निगम बहुत फैसिलिटी और नगर निगम बहुत अच्छा भी कर रही है कि बस सफाई में तो सफाई तो कर ही रहे हैं सर बस अभी भर्ती वर्ती कर दें और परमानेंट वगैरह हो जाए तो फिर वो ठीक है आ, सरकार के काम को आप कैसे देखती हैं पी के काम को बहुत अच्छा है मोदी जी।, जी ने तो जो काम करा कोई साथ जन्म भी ले ले तो नहीं करे पहले गर्मी के लिए बहुत बहुत सफाई कर्मी के लिए मोदी जी ने बहुत अच्छा करा सर हमारे लिए तो हमारे को तो हमारी पहचान ही नहीं थी मोदी जी ने हमारी पहचान बना दी है कि हम एक सफाई कर्मचारी आज हर इंसान की पहचान बनाई मोदी जी ने तो और मोदी जी सरी को तो मोदी जी को तो मैं सलूट मारती सर मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया मोदी जी सरी का तो मेरे को लगता कोई काम भी नहीं कर सकता बहुत अच्छे से अच्छा काम किया आप कुछ कहना चाहें पीएम से कि ये चीज़ बेहतर अगर और कर दी जाए तो सफाई कर्मियों का या आप लोगों के समाज के बहुत सारे लोग जो हैं सफाई कर्मी रहते हैं तो सबका भला हो हाँ सर पी से यही मेरी है कि उनसे यही मेरी विनती है कि सर सबको परमानेंट किया जाए इतने पैसे में सर नहीं पूरा होता और भर्ती बढ़ाई जाए सर भर्ती कम हो गई है तो भर्ती बढ़ाए और परमानेंट किया जाए छोटे छोटे शहरों में परमानेंट हो जाते सर पर अभी इंदौर में नहीं हो रहे सर क्यों नहीं हो रहे हर शहर में गए हो गए आप कहाँ कहाँ हो गए परमानेंट दो साल में यहाँ पच्चीस पच्चीस तीस तीस सालों का परमानेंट ही नहीं हुए सर कहाँ हुए परमानेंट तो ये परमानेंट होना चाहिए और सर करेंगे मोदी जी ध्यान देंगे हमारे तरफ भाई बहनों की तरफ से तो ध्यान देना चाहिए सर बहुत कम तन जी तो ये थी इंदिरा दीदी जिनसे हमने बात की समझने की कोशिश की क्या हालात हैं और क्या चीज़ें हैं जो बेहतर है या और बेहतर करना है आप तक एक ऐसी कहानियाँ लाना ज़रूरी होती हैं चुनाव यात्रा के दौरान जब हम अलग अलग शहरों में जाते हैं जिस वक्त चुनाव नहीं होते हम लोग दिल्ली में रहते हैं दिल्ली के आसपास की चीज़ें देख रहे समझ रहे होते हैं ऐसी कहानियाँ अक्सर हमारे पास आती हैं ऐसी रील्स वीडियोज़ आते हैं एक सफ़ाईकर्मी को दिल्ली में विज्ञान भवन में बुलाकर अवार्ड दिया गया इंदौर जो स्वच्छता के मामले में इतना आगे है और जब चुनाव आते हैं तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम ऐसी जगहों पर जाएं ऐसे लोगों से बात करें जो देश को बेहतर करने में स्वच्छ भारत मिशन को कामयाब करने में प्रधानमंत्री के सपने को देश के सपने को कामयाब करने में अपना इस तरीके से योगदान दे रहे हैं कि छः बजे की सर्विस में वो चार बजे पहुँच जाते हैं लगभग सवा दो घंटे पहले और उसके बाद शाम में दोबारा जाते हैं तो ये सारी चीज़ें प्रेरणा देने वाली हैं इंदिरा दीदी से हमने बात की वाल्मीकि समाज से ये आती हैं जो कि लगातार हमारे देश में सफाई का ध्यान रखता है देश को साफ रखने का प्रयास करता है इनके भी कुछ मांगे हैं मुद्दे हैं उस पर भी सरकार को गौर करना चाहिए बाकी ललन टॉप की चुनाव यात्रा जारी है हमारे कवरेज को देखते रहिए कैसा लग रहा है हमारा कवरेज कमेंट बॉक्स में ये भी ज़रूर बताइए कैमरे के पीछे गोविंद हैं जो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं मेरा नाम विपिन किराड़ है देखते रहिए ललन टॉप शुक्रिया